हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो यूपी SSSC की तरफ से जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आया है और ये फॉर्म कब से शुरू होने वाला है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि विज्ञापन संख्या यहां देखिए 4/2018 है और इसकी आवेदन कब से शुरू होगी उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आज बताने वाला हूँ आपको। तो आइए चलिए देखते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये देखिए विज्ञापन संख्या 4/2018 है और इसके बाद देखिए कि सम्मिलित अवर अभियंता संग्रक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018। ये चीज़ आपका देखिए यहाँ पर तीन वैकेंसी है, तीन पद के लिए, एक तो जूनियर इंजीनियर के लिए हो गया, दूसरा संग्रक के लिए हो गया और तीसरा फोरमैन के लिए हो गया है। तो इसकी आवेदन जो शुरू होगी वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ देखिए दिया हुआ है 30 अक्टूबर को दिया हुआ है और ऑनलाइन शुल्क भी आपका 30 अक्टूबर को ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में सारा प्रोसेस हो जाएगा, फॉर्म भरने से लेकर पूरा पेमेंट वगैरह करने तक। और इसके बाद देखिए कि परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक है और आवेदन संशोधन अगर करना चाहते हैं तो संशोधन करने की तिथि 7/12 तक है, मतलब 7 दिसंबर तक है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दी गई है यहाँ पर कि विशेष कथन यहाँ देखिए इसे घेर भी दिया गया है, यहाँ दिया हुआ है उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30/11/2018 तक है और इसके बाद इस स्थिति के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है और अथवा अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30/11/2018 से 1 सप्ताह के अंदर अर्थात 7/12/2018 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, कैटेगरी को छोड़कर सभी संशोधन कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए कि ये इम्पोर्टेंट बात थी जिसमें संशोधन से रिलेटेड बताया गया है और इसमें चलिए देखते हैं क्या योग्यता है और कितने कितने किस किस विभाग में पद निकले हुए हैं। तो यहाँ ये टोटल 22 पेज का PDF है तो इतना मैं 22 पेज नहीं बता सकता हूँ पढ़कर, तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट में ही मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत रिक्त अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 148 पद है और सिविल के 982 पद है। यहाँ सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियर का पद दिया गया है और इसके बाद जलकल में जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी वो 111 पोस्ट है। अब अवर अभियंता मुद्रण ओवर सीयर 06 सीट है, अवर अभियंता विद्युत के लिए 7 सीट है और कृषि विभाग के लिए कृषि अभियंत्रण के लिए 129 सीट है। और यहाँ पर देखें कि अवर दूरदर्शन अभियंता के लिए एक ही सीट सिर्फ यहाँ पर है, सबसे कम है। ऑटोमोबाइल सीट के लिए भी कम है और विद्युत अवर अभियंता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 7 सीट यहाँ दिया हुआ है और फोरमैन के लिए देख लीजिए 1 से 3 सीट दिया गया है वर्ग एक में और अवर अभियंता यांत्रिक के लिए 35 सीट दिया गया है। तो इस तरह से ये कुल मिलाकर 1477 पदों की भर्ती होनी है इसमें और इसमें आरक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं वो सब लागू किया जाएगा। इसके बाद देखिए आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा, फॉर्म के शेष विवरण भरा जाएगा, फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन एवं फॉर्म प्रिंट आउट किया जाएगा। ये इस तरह से ये नोटिफिकेशन हो गया और इसमें आपको आवेदन की प्रक्रिया जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगी मैं उस दिन आपको ऑनलाइन फॉर्म भर कर दिखा दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरी जाएगी। तो इसके नीचे चलिए देखते हैं फ़ोटो से रिलेटेड भी यहाँ पर देख लीजिए इसमें दिया हुआ है कि फ़ोटो आपकी कितनी होनी चाहिए, फ़ोटो का आकार, तो ये आकार है फ़ोटो का, आप लोग फ़ोटो भी इस तरह से और 6 महीने के भीतर का फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए विभाग
यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो फीस देखिए यहाँ पर कितनी लग रही है। तो सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है और 25 रुपया टैक्स जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, मतलब 225 रुपये लगेगा। और आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 225 रुपये लगेगा और अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए 105 रुपये लगेगा और विकलांग के लिए 25 रुपये लगेगा। और ये थे जरूरी बातें। और इसके अलावा आप लोग फोटो वोटो अपलोड करने के बाद विभाग का नाम देख लीजिए और सभी में यहाँ पर सीट दिया हुआ है और सीट से रिलेटेड आप लोग सीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे वेबसाइट से, आप लोग सीट वगैरह देख सकते हैं इसमें। और इसमें देख लीजिए विकलांग का प्रमाण पत्र भी किस टाइप से होना चाहिए वो सब दिया गया है। तो इस तरह से जिस समय फॉर्म आएगा तो मैं आपको फॉर्म भर कर दिखा दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।